देश की आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। ये तोहफा है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, यानी एक ऐसा डिजिटल कार्ड जो आपके हेल्थ का पूरा लेखा जोखा रखेगा। आपको कौन सी बीमारी है, आपने कौन सा टेस्ट करवाया, किस डॉक्टर से इलाज करवाया, कौन सी दवा खाई, इस डिजिटल हेल्थ कार्ड में सारी जानकारी मिलेगी। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को पीएम मोदी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसमें देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य डॉक्टर का लेखा जोखा एक ऐप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा। अगर इस योजना की खासियत की बात करें तो इसमें हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड, डीजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी शामिल है। हालांकि शुरुआती दौर में इसमें हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डीजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी और बाद में इस योजना में ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सेवा को भी शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में देश के नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। कोई भी जानकारी बिना संबंधित व्यक्ति की मर्जी के शेयर नहीं किया जाएगा। लोगों को ये भी विकल्प दिया जाएगा कि जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति देगा तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। लोग अगर चाहें तो इस योजना से आधार कार्ड को भी लिंक करा सकते हैं। हेल्थ आईडी देश के सभी राज्यों, अस्पतालों, जांच केंद्र और फार्मेसी में लागू होगी। गौरतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत को लागू करने वाली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA ने ही इस ऐप और वेबसाइट को बनाया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को हेल्थ केयर सेक्टर में आयुष्मान भारत के बाद एक बड़ी योजना के तौर पर देखा जा रहा है।